गाइस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस आज हमारे पास नया फ़ोन आया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं टैम्बो फ़ोन है और 365 दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ में फ़ोन आया हुआ है। जो मेरे पास गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो कोई सस्ता फ़ोन दिखाएं बिग डिस्प्ले और बिग साउंड में जिसमें 365 दिन रिप्लेसमेंट वारंटी हो, यानी कि ये फ़ोन 365 दिन चेंज हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये नया वाला फ़ोन है और बहुत ही सस्ता फ़ोन है जो मैं आपको आज लेके आया हूँ। तो नया फ़ोन भी अनबॉक्स करेंगे, साथ में गाइस मेरे पास यहाँ पे जियो का फ़ोन आया हुआ है जो पुराना ओल्ड है। अगर आपके पास ओल्ड वाला फ़ोन है जियो का और आपको नया फ़ोन खरीदना चाहते हैं या फिर बुक करना चाहते हैं तो कैसे आपको बुक करना होगा, जियो फ़ोन भी बताएंगे, साथ में मेरे पास टैम्बो का फ़ोन है। तो गाइस चलिए आज मैं आपको तीनों फ़ोन दिखाते हैं, तीनों बहुत ही सस्ते और अच्छे फ़ोन है जिसे अगर आपको इसमें से कोई भी फ़ोन पसंद आता है तो आप इसे ईजिली बुक कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, बिल्कुल ध्यान से देखना, इसकी बिल्कुल मत करना और चैनल पर अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए मैंने फ़ोन कुछ इस तरीके से लगा दिए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टैम्बो का है, पावर फोन है जिसके अंदर आपको 365 दिन स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है। तो गाइस ये फोन काफी अच्छा है जिसका मॉडल नंबर यहाँ पे A2420 दिया हुआ है और यह देख सकते हैं यहाँ पे वॉइस डायलर भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जियो का फोन अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे कैसे बुक करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला फोन है जिसके अंदर हमें आपको 365 दिन स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी लिखा हुआ है, तो इसको करते हैं अनबॉक्स। ये पावर फोन है, इसका जो मॉडल है कुछ इस तरीके से निकल जाता है और इसकी जो पैकिंग है कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है। तो चलिए गाइस पहले आपको मैं फ़ोन दिखाता हूँ, फिर इसके बाद आपको मैं सारे फीचर्स अंदर के आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे ब्लैक और रेड में फ़ोन दिया हुआ है और फ़ोन का जो साइनिंग है काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल जाती है और इसका जो कंपनी ने यहाँ पे अपना नाम मेंशन यानी कि मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ है A2420 इसका मॉडल नंबर है। अगर आपको ये कीपैड में अगर जैसे MP3 वगैरह चलाना हो तो आप ऊपर से ही चला सकते हैं। इसके कीपैड भी काफ़ी सॉफ्ट हैं और मैं आपको इसका बैक में दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप इसका बैक देख लीजिए कुछ इस तरीके से। जैसे कि एक कैमरा आपको मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है, लाउड स्पीकर ऑन करके आप बात कर सकते हैं इस फ़ोन के अंदर। और सबसे लास्ट में अगर नीचे दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें अंदर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है और LG 3500 का आपको चार्जर मिल जाता है और सबसे ऊपर की साइड में एक आपको टॉर्च भी मिल जाती है। तो चलिए गाइस इसमें एक बार बैटरी डालते हैं और आपको ये फ़ोन दिखाते हैं। इसकी जो डिस्प्ले साइज़ मैं आपको बता दूं 2.4 इंच की डिस्प्ले आपको मिल जाती है, तो काफ़ी बिग डिस्प्ले इसकी मिल जाती है और फ़ोन बहुत ही सस्ता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे भी ईजिली ले सकते हैं, कैसे उसे आप लेना होगा ये भी बताएंगे, साथ में मैं आपको ये भी बताऊँ इसके अंदर आपको मिलेगा क्या क्या। तो गाइस यहाँ पर एक आपको चार्जर मिल जाता है, LG 3500 का आपको चार्जर मिल जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 mm का ऑडियो जैक के साथ में जो हैंड फ्री आती थी इसके अंदर आपको फ्री नहीं मिलेगी गाइस, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एक बुकलेट पड़ा हुआ है और इसमें वारंटी कार्ड भी आपको मिल जाता है। वारंटी कार्ड दिखाने की कोशिश करूं तो आपको एक साल की इसमें वारंटी मिलेगी। ये बॉक्स है ये पूरा ओपन हो चुका है, इसमें जो सामान निकला कुछ इसी तरीके से, एक चार्जर निकला और एक यहाँ पर बैटरी निकली हुई है। अब बैटरी ये छोटी क्यों है ये भी मैं आपको बताऊँगा, इसका एक रीज़न है कि इसमें बैटरी आपको जो छोटी है तो वो मिल भी जाती है बहुत ही जल्दी, जैसे कि बहुत सारी आपने बैटरी देखी होगी वो मिलती नहीं है गाइस। तो चलिए एक बार डालते हैं फिर आगे का आपको बताएंगे कैसे क्या करना होगा, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो गाइस बैटरी डालने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पे आपको दो सिम डालनी है, देख सकते हैं दो सिम आपको, दोनों माइक्रो सिम डालनी है और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, 32 GB तक का मेमोरी कार्ड इसके अंदर डाल सकते हैं। एक साल की आपको वारंटी मिलती है और एक 365 दिन की आपको स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। अगर ये स्क्रीन टूट जाती है किसी भी कारणवश तो आपको कंपनी फ्री में चेंज करके देगी गाइस, ठीक है। तो अभी आपको मैं बैटरी डालता हूँ फिर आगे के फंक्शन दिखाता हूँ। और ये फ़ोन बहुत सस्ता है, अगर आपको अच्छा लगे तो लेना और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। अब अगर आपको जियो फ़ोन लेना है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो जब तक जल्दी से इसे ऑन करते हैं और इसके फीचर्स आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आप इसे फ़ोन को ले सको। तो गाइस यहाँ पर ये फ़ोन चालू कर दिया और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको किंग वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाता है, फाइल मैनेजर आपको इसमें मिल जाता है, गेम अगर चलाना चाहते हो तो आप गेम भी चला सकते हैं और मल्टी लैंग्वेज के साथ में से देखो इसके अंदर मैसेज है, फ़ोन बुक में अगर फ़ोन बुक सेव करेंगे तो काफ़ी इसमें जो फ़ोन बुक है इसकी काफ़ी लंबी है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर मिलेगा, मल्टीमीडिया में आपको कैमरा, अलार्म, कैलकुलेटर, साउंड रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो प्लेयर, FM रेडियो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं गाइस, ठीक है। तो आपको मैं सबसे जो इसका जो बॉक्स में कुछ फीचर्स लिखे ये बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आगे आपको कैसे आपको किसको ख़रीदना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फ़ोन है पावर फ़ोन, इसमें लिखा हुआ है और इसमें देख सकते हैं ये सब मेंशन किया हुआ है कंपनी ने। इसके कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दूं, इसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो आप ले लेना और नहीं ठीक लगे तो आप जियो फ़ोन में मैं आपको बताऊंगा जियो फ़ोन आप ख़रीद लेना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 2.4 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेगी इस फ़ोन के अंदर और इसमें जो कैमरा मिलता है आपको रियर कैमरा इसमें मिल जाता है, जो यहाँ पे फ्रंट में बैक में कैमरा मिलता है, एक आपको इसमें टॉर्च मिल जाती है ऊपर के साइड में दी हुई है और देख सकते हैं आपको
वायरलेस FM विद रिकॉर्डिंग के साथ में मिलेगा। मोबाइल ट्रैकर का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। उससे क्या होता है, जैसे अगर ये मोबाइल खो जाता है तो अपना नंबर इसमें डाल सकते हैं, फिर इसे आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं गाइस। ठीक है, वो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ लेना। इसमें देख सकते हैं, मैंने आपको बताया 64 GB तक का मेमोरी कार्ड इसके अंदर डाल सकते हैं, और जिसकी जो मेमोरी कार्ड वो बहुत ही अच्छा है, इसकी कैपेसिटी है जो 64 GB तक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा और वीडियो स्क्रीन कैप्चर इसमें मिलता है, और तो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह ये मैंने सारी आपको चीज़ें बता दी है। तो ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है। अगर मैं इसकी बात करूँ पैसे की, तो गाइस 1299 रुपये इसकी MRP है, और ये फ़ोन आता है 999 रुपये का। गाइस देख सकते हैं 999 रुपये में आता है, मेड इन इंडिया का बना हुआ ये फ़ोन है, और ये अमेजोन फ्लिपकार्ट और ऐसे कहीं भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इसे आप बुक कर सकते हैं, इजीली ये बुक हो जाता है गाइस। ठीक है, तो अगर ऐसे फ़ोन, अगर ये फ़ोन बहुत सस्ता है, तो सस्ते फ़ोन के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कोई सस्ता फ़ोन दिखाएं 1000 की रेंज में, जो कम से कम ये जो डिस्प्ले साइज हो वो भी बड़ा हो और देखने में भी अच्छा हो। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा मोबाइल मेरे को लगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, तो गाइस अगर आपके पास जियो फ़ोन है और वो ख़राब हो चुका है, तो अगर आप जियो फ़ोन लेना चाहते हैं, तो जैसे मैं आपको एक बार दिखा दूँ यहाँ पर, ये वाला जियो फ़ोन अगर आपके पास है और ये फ़ोन ख़राब हो गया, तो मेरे पास कमेंट आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे आते हैं कि भैया ये मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, तो इसको कैसे नया लें, या फिर ये आता है या नहीं आता है। तो गाइस मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर्स थे, एक बार इसे चालू कर देता हूं, आपको अंदर के फीचर्स चाहे तो दिखा देता हूं, वैसे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको पता होगा इसके सारे फीचर्स, इसमें आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें चल जाती हैं गाइस। ठीक है, तो ये मोबाइल अब क्या होता है, ये वाला मोबाइल गाइस अब बिल्कुल आता ही नहीं है, क्योंकि अब मिलता भी है तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे पहले 1500 का आता था, एक साल का रिचार्ज भी मिल जाता था, तो अब गाइस ये वाला फीचर आपको ऑफर भी नहीं मिलेगा, और इसमें जो आपको जो पुराना मिल जाता था वो भी नहीं मिलेगा, और महंगा मिलता है बहुत ज़्यादा। तो उसके बदले में आपको मैं बताऊं, अगर आप नया फ़ोन लेना चाहते हैं तो जियो का ये वाला ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जियो का भारत V2 4G नाम से है, ये भी 999 रुपये का ही आता है। इसमें देखो MRP मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे MRP है 1999 रुपये, लेकिन ये 999 रुपये का फ़ोन आता है, और काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। इसके अंदर आप पुराने जियो फ़ोन की सिम डाल सकते हैं, वो भी 123 रुपये के रिचार्ज पे गाइस। ठीक है, 123 रुपये में आपको मिलेगा 1/2 GB नेट डेली और अनलिमिटेड कॉल। पहले इसमें आपको 9175 का रिचार्ज चलाते थे, लेकिन ये रिचार्ज बंद हो चुका है, तो 123 रुपये का रिचार्ज पर आप इसमें सिम डाल सकते हैं। और 123 में ये फ़ोन आपको बता दिया, अमेजोन फ्लिपकार्ट भी अवेलेबल है, जियो स्टोर पर भी अवेलेबल है, और एक साल की वारंटी के साथ में ये फ़ोन आपको मिलता है। तो गाइस यहाँ पे देखो, इसमें फीचर्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ, तो पहले वाले फ़ोन में अगर 2000 mAh की बैटरी आती थी, अब जो फ़ोन में आता है तो 1000 mAh की बैटरी आएगी। इस वाले फ़ोन में भी आपको 1000 mAh की बैटरी है, जो मैंने आपको यहाँ से दिखाई हुई है गाइस। ठीक है, तो ये दोनों फ़ोन है जो गाइस, तो आपको 900, तो गाइस ये दोनों फ़ोन आते हैं 299 रुपये की रेंज में, और ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छे हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो तो ये फ़ोन दोनों मैंने बता दिया आपको, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है, आप कहीं भी मोबाइल शॉप वगैरह कहीं से भी आप ले सकते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना।